हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी का पेपर। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है, देखिए सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। आज हम इसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे और सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर है ये, देख लेते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप सर सॉल्व करा दीजिए, तो उसे मैंने ले लिया है। देखिए क्वेश्चन है क्षतिपूर्ण, क्षतिपूर्ति की संविदा है तो ये कहेगा समाश्रित संविदा है, ए का सी सही है, इसे राइट आंसर कहेंगे। ओके, सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड का जो है आपका ए रहेगा, मानव आचरण वाला, ये सही है इसमें। ओके, थर्ड का देख लेंगे। थर्ड का जो है आपका क्षतिपूर्ण का है, थर्ड का क्षतिपूर्ण है। फोर्थ को देख लेंगे, फोर्थ का जो आपका आंसर है वो है सी। ओके, फिफ्थ को देख लेंगे, फिफ्थ का आप जब देखेंगे तो इसमें जो आंसर है आपका वो है चलन प्रत्यावर्ती। ओके, प्रत्यावर्ती का अर्थ क्या है इसे देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती का जो अर्थ है, देखिए क्वेश्चन नंबर है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर जो है वो है 25 अप्रैल 1872। ओके, 25 अप्रैल 1872 है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट को। क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर है वो है प्रतिभू। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, क्वेश्चन नंबर संविदा आधिवन की धारा से कब तक के प्रतिभू को उन्मित उन्मुक्ति से संबंधित किया है, यह है एक धारा 133 से 139। ओके, 133 से 139 है। ओके, संविदा अधिनियम की धारा 146 का निम्न में से दायित्व तो रखती है, संविदा शय प्रतिभूमों का। ओके ओके, यहाँ देख लेते हैं। दो इसका जो है दो पक्षकार एवं संविदा है, ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा डी। ओके, क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर, डी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए आपका 12 है, 12 में आप देखेंगे कि जो है क्षतिपूर्ण संविदा पर, इसका आंसर है क्षतिपूर्ण संविदा पर। ओके, 13 का आंसर देखेंगे, 13 का जो आंसर है वो तीन पक्षकार होगा, तीन पक्षकार होगा। 14 का आंसर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो है लिखित एंड मौखिक, दोनों होती हैं। ओके, 15 का देखेंगे तो 15 में आपका द आंसर है, 16 में आपका ए आंसर है, 17 में आपका जो है ए आंसर है, 18 में आपका जो है 18 में आपका बी आंसर है, 19 में आपका जो है डी आंसर है। ओके, 19 में आपका डी है, 20 में आपका डी है, 21 में आपका डी है, 21 में आपका डी है। और 22 का देख लेते हैं। 22 का है एक एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है, एक एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है, ये है एजेंसी का व्यापार पूर्ण हो जाने पर, एजेंसी द्वारा एजेंसी के व्यापार का त्याग दिया जाना चाहिए या मुख्यकर्ता की अपनी अधिकता का खंडन किया जाना चाहिए, यानी कि उपयुक्त तो सही है इसमें, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ कर सकता है, वह निम्न द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति व्यक्तिगत कुछ कर सकता है, एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ कर सकता है वह निम्न के द्वारा द्वारा करा सकता है, वो है एक एजेंट के द्वारा, क्या, एक एजेंट के द्वारा करा सकता है। प्रतिभु वह व्यक्ति होता है जो गारंटी देता है, क्या, जो गारंटी देता है। एक प्रतिभु को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है, एक प्रतिभु को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है सूचना द्वारा, नवीन द्वारा, नवीन यानी के नोवेशन और उसकी मृत्यु का डेट एंड उपयोग सभी, ऑल ऑफ द डी इज द राइट आंसर। ओके, गिरवी इसका आंसर है पैम, गिरवी इसका आंसर है पैमदार के पास। ओके, इसका देखिए इसका आंसर जो है वो है 172, इसका आंसर है 172। ओके, इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ओके, इसका भी आंसर उपयुक्त सभी जी। अभी देखेंगे 31st का आंसर है, 31st का आंसर है ए, 31st का आंसर है ए, ठीक है। क्रेन धारा ये जो है 16, धारा 16। परिधान इसका आंसर है परिधान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धारा 27। ओके, नेक्स्ट इसका जो है वो है भावी माल। ओके, भावी माल है इसका, ये गलत लग गया भाई, ये है भावी माल। ओके, बी इसमें आप देखेंगे, इसमें बी। ओके, इसमें आपका ए। ओके, चलते चलिए फटाक से, जल्दी करिए, टाइम वेस्ट ना हो।
इसमें है मूल सी, इसमें जो है वो है सी, उपयुक्त दोनों सही हैं। इसमें जो है ए, ये सही है। इसके बाद किराया क्रय, ये सही है। इसके बाद धारा 13-16 है, ये सही है। ओके, अब देखेंगे इसमें जो आंसर है वो आपका सी है। ओके, चलिए चलते चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इसके लिए ए सही है। ओके, इसके लिए जो है वो ए सही है। ओके, इसके लिए जो है डी सही है, सॉरी डी नहीं होगा इसमें, ये डाउट वेल क्वेश्चन है। सी सही है, मैं सी की ओर जाऊंगा। डी और सी में से आप देख लीजिए आप किसकी ओर जाएंगे। प्रतिस्थापित प्रतिनिधि, प्रतिस्थापित प्रतिनिधि है, देखिए इसमें ब आएगा, ब। ओके, ब आएगा, ब, ये भाई माउस गड़बड़ कर रहा है, ब सही है इसमें, ठीक है, सी। ओके, देखिए इसमें जो है आपका डी सही है। ओके, 49 में, 49 में आप देखेंगे तो 49 में आपका देनदार होगा। ओके, 50 में आपका जो है देखेंगे अर्ध अनुबंध होगा, अर्ध अनुबंध। 60 में बंधक से ऊपर, बंधक के ऊपर यानी करार। ओके, जी निपेक्ष का अनुबंध। ओके, चलिए चलते चलिए फटाक से, अ और वह दोनों होंगे, ए और बी दोनों, इनमें से कौन सा होगा? तो देखें हरजाने की संविदा होगा। ओके, हरजाने की संविदा, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1932 में। ओके, 1932 में लागू हुआ। साझेदारी कानून निम्न में से, साझेदारी कानून निम्न में से किस कानून का एक विस्तार है? देखिए निरपेक्ष और माल विक्रय अधिनियम, एजेंसी कानून, इनमें से कोई नहीं, तो डी है, इनमें से कोई नहीं। ओके, देख लेते हैं, साझेदारी में आपस में क्या संबंध होता है? साझेदारी में आपस में क्या संबंध होता है? देखिए एजेंट, प्रधान, प्रधान एजेंट दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए फर्म का देख लेंगे। फर्म पंजीकरण न होने की स्थिति में साझेदारी बाहर या अन्य पक्षों के विरुद्ध अधिकतम कितने रुपए का दावा कर सकता है? अधिकतम कितने रुपए का दावा कर सकता है? पहले इसको देख लेते हैं, इसमें जो है आपका जो है ये होगा डी, और इसमें जो देखेंगे साझेदारी कितने रुपए का दावा कर सकता है, इसके लिए जो है आपका होगा बी, 1000, कितना 1000 नहीं, सॉरी बी नहीं होगा इसका, 100 होगा, 100, कितना 100 रुपए की फर्म स्टाप होता है। ओके, जी इसका जो है देखेंगे डी, इसका जो है डी, इसका जो है बी। ओके, इसका है बी, इसका है डी, इसका है सी। चलते चलिए फटाक से, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसका है डी, इसका है सी, इसका है सी, इसका है ए, इसका है डी, इसका है बी, इसका है साहूकार डी, इसका है प्रतिभू, क्या होगा? साहूकार हो गया, देखें साहूकार हो गया। अब यहां देखेंगे प्रतिभू, क्या होगा? प्रतिभू। ओके, चलिए अब यहां पर जो आया वो है बी, जी इसका स का अवैध है, अवैध। ओके, ये हो गया। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ब, इसका है ब। ओके, इसका ब देखेंगे आगे, 89 का है उपयुक्त सभी, सॉरी 75 का है उपयुक्त सभी, जी 76 को देखेंगे बी, 77 का देखेंगे आप सी, 77 का सी, 78 का देखेंगे उपयुक्त सभी, 79 का आप देखेंगे, 79 का है उपयुक्त सभी। ओके, 80 का देखेंगे, 80 में जो है आपका क्या है? खरीददार जागरूक होता है, देखिए एक खरीददार का देखेंगे, एक एजेंसी समाप्त हो सकती है, चलिए एक एजेंसी समाप्त हो सकती है, खरीददार जागरूक के लिए क्रेता सावधान होगा, क्या होगा? क्रेता सावधान। ओके, चलिए विक्रय की संविदा को दो पक्षकार होते हैं, विक्रय की संविदा के दो पक्षकार होते हैं, विक्रेता और क्रेता, बिल्कुल राइट जी। यह एक मानक नियम है जो कि जोखिम निम्न के पीछे चलता है, स क्रेता कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? क्रेता, ठीक है। माल विक्रय के लिए हम जो है आपका धन की बात करेंगे, देखिए
इसमें स ध्यान दे रखा है, जल होता है वैसे ये, इन दोनों में डाउट है आप इसे चेक कर लीजिएगा, दोनों में डाउटेबल क्वेश्चन है, आप जो आपको सही लगे उसकी ओर जाइएगा। ओके चलिए आप देखेंगे 84 को देखेंगे, 84 का है मूल्य। ओके इसका देखेंगे ट्रेडमार्क, और इसका जो देखेंगे 86 का देखेंगे नीमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87 को देखेंगे। 87 में है, 87 जी 87 में है उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है अब चलेंगे 88 की ओर, 88 में बी। ओके 89 में आपका जो है बी, 90 में आप देखेंगे तो डी, 90 में डी, 91 में आप देखेंगे तो डी, 92 में आप देखेंगे तो डी, 93 में देखेंगे आप तो ये होगा ए, 93 में ए, 94 में आप देखेंगे तो 94 में आपका जो आएगा बी, 95 में आप देखेंगे तो ये रहेगा आपका सी, और 96 में आप देखेंगे तो ये होगा आपका बी, 97 में आप देखेंगे तो डी, 98 में आप देखेंगे तो ये होगा सी, 99 में आप देखेंगे तो ये होगा आपका, 99 में आप देखेंगे तो ये होगा आपका, देखें 99 है ना, तो 99 को उसका अभिकर्ता की नियुक्ति करने वाले को चाहिए, क्या चाहिए अभिकर्ता की नियुक्ति करने वाले को चाहिए कि वयस्क हो और जो है उसे स्वस्थित दोनों में होना आवश्यक होना चाहिए, यानी कि मेजर ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड बोथ ऑफ असेंशियल दोनों में होना जरूरी है। ओके 100 का देखेंगे तो 100 का जो है वो आपका जो आंसर होगा वो 10 होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। तो ये हैं क्वेश्चंस आपके, 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का है, लॉ, ठीक है लॉ सेकंड ईयर का पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं हमारे यहाँ से। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन डाउटेबल है तो आप मुझे उसका जो है आंसर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, तो मैं उसे रीचेक कर लूँगा पूरी सीट को, देन उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इसी तरीके से हमारे चैनल पर कंटेंट मिलता रहेगा, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को डबल कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।